देहरादून के डीएम सोनिका सिंह आज डोईवाला तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुड़ियाल गांव में पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर जिले के तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गांव में पहली बार डीएम देहरादून के पहुंचने पर गाँव की महिलाओं ने फूलों से डीएम सोनिका का स्वागत किया। डीएम देहरादून के गाँव के लोगों से उनकी समस्या सुनी और कई का मौके पर निस्तारण किया। डीएम अधिगांव में आकर समस्या सुनने के गांव के लोग बेहद उत्साहित थे और अपनी समस्या खुद डीएम के सामने रख रहे थे। देहरादून के डीएम सोनिका सिंह ने अपने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनको जो भी समस्या है उनके सामने आई है, बहुत तेजी से उनका निवारण होगा। जो बिजली का स्टेशन बनना है वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम हो गई है, रोड का जो इशू है उसमें हो गया, तो उसमें हमारा डिस्कशन हो गया है कैसे डीजल की गंभीर उसके जो पुरानी लाइन थी उससे इस गांव को जो पानी की सप्लाई हो रही है वो सफिशियंट नहीं है और उससे इस गांव की पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही। उसी के क्रम में मैंने ऐसी साहब को कहा है कि खुद आके यहाँ का भ्रमण करते हैं और जो व्यवस्था हो सकती है कि चार गाँव कहा जा रहा है कि वो आस पास जितनी है उनको पानी की इशूज आ रही है, तो उसके अनुसार एक कार्ययोजना बनाई है और उसी अनुसार खाने की समस्या अलग अलग तरह की आई है, जैसे पेयजल की इनके लिए अलग समस्या होता है, शौचालय जानवरों के द्वारा जो स्पेशली हाथियों के द्वारा जो अटैक होता है उसके लिए उन्होंने तारवार की जो उसके अलावा रास्ते हैं कुछ जो आधे बन रहे हैं, थोड़ा सा छूटे हुए हैं उसकी बात हुई है, नलकूप के बहुत सारे इश्यूज आए हैं, तो सभी को सुना भी गया और कंसर्न जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं कि तत्काल इन पर कार्रवाई की जाए। जहाँ भी फंड का इशू है या जहाँ भी कहीं फाइनेंशियल इशू है वहाँ पर तत्काल मेरे ध्यान दिलाते हैं, किसी और मत से कहीं से इसकी व्यवस्था कराने की कोशिश करें।